राव जो करते हैं ना बीजेपी स्टाइल, ये मत करिए। मैं बीजेपी स्टाइल है, मैं बीजेपी हूँ। स्टाइल क्या, मैं बीजेपी ही हूँ। स्टाइल में तो शहजाद का स्टाइल बाकी लोग कॉपी करते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन दिखाते हैं। वो वीडियो वाला, ऑडियो वाला। धार्मिक आधार पर आरक्षण सही या गलत, आप बोल दो ना गलत है या सही है, और किसने मांग की इसकी, बस इतना बोलिए। मैंने बोल दिया, कितनी बार बोलूं, किसने की, बोलो ना। नहीं पड़ता कभी, किसने बोला, कांग्रेस ने, समाजवादी ने या बीजेपी ने। शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड, शरद जी डोंट गेट इरिटेटेड। अजीज साहब वो आपको जवाब नहीं मिल रहा, जनता देख रही है, ठीक है। मल्टी अजीज साहब एंडिंग कमेंट्स। अजीज साहब सर 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 मैं 10 सेकंड चाह रहा हूं सर। आप 20 लीजिए। लगातार राहुल गांधी के स्टेटमेंट पे बातें हो रही हैं। मैं चाहूंगा, मेरा अनुरोध है आपसे कि वो स्टेटमेंट को दिखाया जाए, ये सुना जाए। जैसे ही वो है मेरे पास, चला देता हूं आप चाहते हो तो। अरे सर सुन लीजिए, तेलंगाना ने किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे, देश का एक्सरे कर देंगे। 30 सेकंड बाइट है, आपने सुनाई, सुनिए। अब ये यही जो स्टाइल आप एक सुन लिया, आप सुनिए शरद जी, जो आप स्टाइल कह रहे थे ना शहजाद, बीजेपी स्टाइल, दिस इज शहजाद स्टाइल, जो अभी अजीज खान साहब ने कॉपी कर लिया है। तो आई विल आल्सो डू दैट फॉर अ चेंज। शर्मा जरा चला दो राहुल गांधी की बाइट, और जरा सुनिएगा खान साहब। हमने वायदा किया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे कि हिंदुस्तान का धन किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे। ऐतिहासिक सर्वे के बाद क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। खान साहब समझ आया आपको? संजीव झा सुनिए, आपका टाइम हो चुका, आपने अपना टाइम शहजाद के स्टाइल में यूज कर लिया, राहुल गांधी को दे दिया, वो आपके ऊपर है। आई एम सॉरी, आपने अपना टाइम राहुल गांधी को दिया तो मैंने भी आपको जवाब दे दिया राहुल गांधी की ही भाषा में, राहुल गांधी की बाइट से। दिस इज शहजाद स्टाइल, बाइट वर्सेस बाइट। अब वो सब आप लोगों ने उठा लिया है, वो सब आप जानो। संजीव झा, संजीव झा एंडिंग कमेंट्स। संजीव झा जी एंडिंग कमेंट्स। शरद जी रिलैक्स, संजीव झा जी, संजीव झा, शरद जी मुझे लगता है कि मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अपने 10 साल में क्या क्यों बताते और 2047 नहीं 2025 की बात करते। प्रधानमंत्री के 2047 में मैं देश को फलाना कर दूंगा, अरे 25 में रोजगार का क्या होगा बताते नहीं है, 25 में महंगाई का क्या होगा बताते नहीं है, भाई आज आज क्या मिलेगा वो नहीं, आपके बच्चे के लिए भविष्य बदल दूंगा, ये कैसे हो सकता है। 14 में तो 100 दिन की बात करते थे, 14 में 100 दिन की बात, और 24 में चले गए 12 साल 15 साल के बाद की बात, 22 साल पहले के बाद की बात। तो देश को ये समझ में नहीं आ रहा, और यही कारण है कि देश की जनता इस बार जब वोट करने जा रही है, ये कोई पार्टी वर्सेस पार्टी का चुनाव नहीं है, ये मोदी जी वर्सेस जनता का चुनाव है। अच्छा। 10 साल में जो जनता ने भुगता है उसको बदला लेने के लिए अब जनता वोट करने जा रही है। यही आपने मोदी वर्सेस इंडिया करने की कोशिश की थी, फेल हुए थे। सिर्फ बता रहा हूं आपको, मोदी वर्सेस इंडिया वो जो पीआर गिमिक था, जो भी कंपनी को लाए थे वो भी फेल हो गया। वैसे संजीव जी ये आप ये जो चल रहे हैं ना राहुल गांधी के चक्कर में, आपके नेता जेल में पहुंच गए करते करते। रिजवी साहब एंडिंग कमेंट्स। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, रिजवी साहब एंडिंग कमेंट्स, संजीव जी एंडिंग कमेंट्स। सिर्फ ये कह रहा हूं कि मुझे फुटबॉल न बनाया जाए, मुसलमान को कौन बना रहा है, सब बना रहे हैं। फुटबॉल दो टीमें खेलती हैं, हम आजादी, दूसरी टीम कौन है आपका, समझ गया। चलो बीजेपी से आपकी टक्कर है, दूसरी दलितों से बदतर हो गए क्यों हो गए, इसलिए बीजेपी कहती है साहब कांग्रेस जो है अपीजमेंट, अरे अपीजमेंट कर रही थी तो हमें तो बादशाह हो जाना चाहिए था, हम दलित से बदतर क्यों हो गए। हा? और अब ये कह रहे, और कांग्रेस जो है वो सिर्फ वोट लेना चाहती है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस सिर्फ वोट लेना चाहती है और बीजेपी पे आप मुझे माफ कीजिएगा, ना तो मैं सीएम बनने जा रहा हूं, ना तो पीएम बनने जा रहा हूं, ना तो मैं अब कैबिनेट लेकर रहा हूं, तो इसीलिए मुझे सिर्फ तालीम, तजारत और तहफ्फुज, तीन चीज दीजिए, जो हमें देगा हम उसके साथ हैं। ओके शरद जी एंडिंग 10 सेकंड्स एंड देन टेकिंग शहजाद काउंटर टू ऑल। अरे आनंद जी तो मैं बोल गया, एक छोटी सी बात ये कहनी है कि आपने बड़ा अच्छा हुआ राहुल गांधी की क्लिप सुना दी, लेकिन आपने ये बड़ी कंसील कर लिया ये बात कि उनके कहा उन्होंने कि मैं मुसलमानों को ये बांट दूंगा, ये झूठ कम से कम चैनल को नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी ने कहीं नहीं कहा, आपने खुद ही अपनी क्लिप। दादा वो 30 सेकंड की बाइट है, आप रुकिए वो भी कर दूंगा। अनंत विजय एंडिंग कमेंट्स शहजाद का। मेरे भाई आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, कुछ टेक्निकल एरर है। अनंत विजय जी एंडिंग कमेंट्स। अनंत जी
आज रत्नाकर जी की तरह मैं भी सोचता हूँ एक कविता से ही खत्म करूं। अच्छा, सुना तो दूर हाल दिल का हाल हमदम, सुना तो दूं दिल का हाल हमदम, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो पत्रकारिता में जो लोग पर्दादारी करते हैं वो अच्छी बात नहीं है। पत्रकार को देश काल परिस्थिति के हिसाब से सच बात कहनी चाहिए, जो अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये वही लोग हैं जो पत्रकारिता निष्पक्ष पत्रकारिता कहते रहे। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, ओके आनंद दादा, रत्नाकर जी 10 ही सेकंड में जवाब दीजिएगा। रत्नाकर जी ऑनर नहीं है। रत्नाकर जी बोलिए, बोलने दे रहा है, तीन बात बोलने दीजिएगा जल्दी, तीन का टाइम नहीं है, एक का बोलिए। पहली बात, अगर बीजेपी का प्रवक्ता पढ़े लिखे होते, रत्नाकर आपको तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, राहुल गांधी ने वर्ग की बात की है। प्लीज ऐश्वर्य जी चुप रहिए अभी, देखो वर्ग संघर्ष या क्लास स्ट्रगल ये अलग चीज होती है। उन्होंने कहा धन किस वर्ग के पास है। अगर इन्होंने पढ़े लिखे होते ना तो जानते वर्ग क्या होता है। चश्मा कास्ट का लगा है, मुसलमान का लगा है, दिखता वही। और दूसरी चीज बता रहा हूं आपके लिए ऐश्वर्य जी, बड़ी देर से शहजाद जी कह रहे हैं कि ओबीसी में कोटा मुस्लिम का देंगे। ये मेरे हाथ में सामने है, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है जिसमें दो मुसलमान, मुस्लिम कायस्थ और तेली मुस्लिम और लाल बेगी ओबीसी में है, मुस्लिम लिख के है, और 31 मुस्लिम बिरादरियां। ओके आप पढ़ लीजिए। ओके 47 हो गया। शेख मुगलई गद्दी कुर्ची मेना नवायत ये मध्य प्रदेश में है। पॉइंट 15 साल से किसकी सरकार है, कौन बीजेपी की है, सबको पता है। शहजाद का काउंटर ले रहा हूँ, शहजाद का काउंटर ले रहा हूँ। शहजाद रिप्लाई। ये बात तो सही है, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ, आप तो पढ़े लिखे। डिग्री की फाइट करनी है। नेशनल हेरल्ड की डिग्री का भी नया ट्रेंड शुरू कर दो, नेशनल हेरल्ड की प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो, रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति गरीबों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर लो, नकुलनाथ की संपत्ति पहले शुरू करिए ना, वर्ग के आधार पे ना। तो अपने गरीब कांग्रेसियों को ही दे दो भाई, हमारी छोड़ दो। और दूसरी बात ये बताइए कि धार्मिक आधार पर आरक्षण की निंदा एक ने भी नहीं की। और देखिए कुछ लोग बोल रहे हैं मैं फुटबॉल बन गया, कुछ लोग लात खाने के वाले काम ही करते तो मैं क्या कर सकता हूँ। आप बताइए, कि लात खाने के लिए जाते क्यों। प्रेम से डिबेट चल रहा है, प्रेम से डिबेट चल रहा है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ जनता को डिसाइड करने देते हैं, शरद जी अनंत जी जनता को डिसाइड करने देते हैं, संजीव जी लेकिन आप अपना सोच लीजिए, आप जिस पार्टी के साथ जा रहे हैं क्या हर्ष होगा वो सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।